जो मांगे होंगी कर्मचारियों की, वो जो नौकरी हम लगा रहे हैं हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही है। करीब 3.5-4 लाख के आसपास नौकरी लग रही है, 1.5 लाख तो लग चुकी है, 50,000 एक महीने में लग जाएगी जब परिणाम आएंगे आपके पैसा के। तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान वो राज्य है जो बजट पेश हमने किया है शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी की योजनाओं में, बिजली में, सड़कों में और सोशल सिक्योरिटी के अंदर। वो एक मॉडल राजस्थान राज्य बनने जा रहा, देश का मॉडल राज्य बनने जा रहा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। जिस तरीके से आप ओपीएस की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार मना कर रही है, वित्त मंत्री मना कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है संविधान के अंतर्गत। राज्य सरकारों का अधिकार है पेंशन देने का, वो क्या फॉर्मूला अडॉप्ट करें, कितनी पेंशन देवे, इसलिए हम लोग अधिकार के आधार पर हम दे रहे हैं। केंद्र सरकार से आप क्या मांगे ओपीएस को? मेरी मांग है कि मैं अभी जो मैंने कहा सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाओ। देश के अंदर एक मजदूर भी बिल्डिंग बनाता है खाली मशीन से नहीं बनती है, मजदूरों की भूमिका होती है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उनका सही साथ नहीं देता है, वो काम नहीं कर सकता, घर बैठे उसको पेंशन मिलनी चाहिए। अभी हम पेंशन दे रहे हैं राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को लगभग हम पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को और साथ में निःस्सहाय जनों को। कोई राज्य 1,000 दे रहा है, कोई 1,500 दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे मुल्क में एक ही पेंशन हो, पार्लियामेंट में सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने, उससे सब राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर के, राज्य और केंद्र मिलकर के पेंशन कह दीजिए उसको, दुनिया के मुल्कों में भी उनको मंथली वीकली पैसा मिलता है, वही सिस्टम देश में लागू होना चाहिए मेरा मानना है। वक्त आ गया है, हम विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, तो आप कम से कम एक परिवार की रक्षा तो करो पहले, उनकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत करो तो वो जी सके। जीवन यापन करने का जो पैसा होता है उतना पैसा हर परिवार को मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसके लिए देश में पार्लियामेंट कानून बनना चाहिए। बीजेपी नेता लगातार दो कहना था, हमें क्या हमने कह दिया। मैं देखता हूँ कि वीरांगनाएं जो हैं और जो पुलवामा हो या बालाकोट हो या कारगिल हो, जो पैकेज हमने दिया है हिंदुस्तान में किसी सूबे में नहीं है, वो पैकेज मैंने दिया है उस जमाने में जब मैं लगभग 25 साल पहले मुख्यमंत्री था, तब जो पैकेज मैंने बनाया है उस जमाने में मैंने इंदिरा गांधी कैनाल में दे दिया जमीन को, हाउसिंग बोर्ड का मकान ऑफर कर दिया, 25 लाख ऑफर कर दिए, नौकरी ऑफर कर दी, स्कूल का नामांकन कर दिया, सब कुछ कर दिया उस वक्त, और यहाँ तक कर दिया कोई बच्चा अगर 1 साल का नहीं बल्कि अगर शहीद की पत्नी गर्भवती है उसका बच्चा पैदा होगा उसकी नौकरी भी घर में रहते हुए नौकरी मैंने आरक्षित कर दी, रिजर्व कर दी, वो पैदा होगा बड़ा होगा तब तक की नौकरी रिजर्व रहेगी। ऐसा कोई फैसला हिंदुस्तान में कहीं हुआ है क्या? उसके बाद में जो राजनीति कर रहे हैं लोग, मेरी जानकारी में इन सबको इकट्ठा किया गया नेताओं द्वारा, चुनाव का वर्ष है, ये नौकरी 4 साल बाद क्यों मांग रहे हैं? इसको पूछो, 2019 में घटना हुई होगी उस वक्त तो मांग नहीं करी आपने, अचानक 4 साल के बाद में आप मांग करके धरना दे रहे हो, गुमराह कर रहे हो पूरे देशवासियों को, राजस्थान की बदनामी करवा रहे हो आप पूरे देश के अंदर, जबकि हमारी गवर्नमेंट सबसे अच्छा पैकेज देने वाली गवर्नमेंट है। इस प्रकार की हरकतें करेंगे ना तो जनता आने वाले वक्त में इनको जवाब देगी, मुँह तोड़ जवाब देगी मैं कह सकता हूँ। शानदार पैकेज हमारा है और बच्चे की नौकरी की बजाय आप कैसे मांग सकते हो दूसरों की नौकरी परिवार के अंदर? कल मुझसे मिली थी वीरांगनाएं, वो एक स्वर में बोल रही थी साहब ये क्या मजाक बना रखा है, हम चाहेंगे हमारे बच्चों के अलावा किसी की नौकरी की बात नहीं हो। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसी हरकतें विपक्षी पार्टी को शोभा नहीं देती है। इनकी सरकार केंद्र में सत्ता में है उसके बावजूद भी ये जिम्मेदारी के साथ में अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरा आरोप है बीजेपी के नेताओं पे जिन्होंने भाग लिया इस आंदोलन के, उनको भड़काने का काम किया। संजीवनी की मीटिंग भी लगातार आपसे, संजीवनी की मीटिंग मैंने कल भी करी है, केंद्रीय मंत्री शेखावत जी को चाहिए समय रहते हुए आगे आके सबको मदद करे, गरीबों को कैसे वापस पैसा मिल सकता है वो दिलवाएं, बड़ा घोटाला हुआ है,
और उनका खुद का नाम उसके अंदर है, उनके परिवार का नाम है। जो आज मुलजिम जेल में हैं उन्हीं आरोपों में उनके नाम भी हैं, और उनको चाहिए कि कम से कम केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, उनके लिए तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है। गरीब राजस्थान भर के लोग आए थे, और मारवाड़ के लोग तो घर घर में दुखी हो रहे हैं। कोई 1,50,000, 25,00,000, 1,00,000, 2,00,000 तक पैसा डूब गए लोगों के, तो उसके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम तो अपना जो कानून कहता है कार्रवाई कराएंगे, जो करते हैं।